कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब आखिरी चरण पर है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों ने सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को एक डर सताने लगा है। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या कर सकती है। ये आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की हत्या करने की साजिश चल रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर इस साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि ये चितपुर से बीजेपी के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, जो पीएम मोदी और सीएम बोम्मई का चहेता भी है। सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी प्रजातंत्र की हत्या कर रही है और अब विपक्ष की हत्या की भी साजिश सामने आ रही है। बीजेपी इस स्तर तक गिर गई है कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करवाना चाहती है। Let them play. Let me continue with my comment. Friends, the sinister and ugly plot to kill Shri Mallikarjun Khadge and his entire family by the Bharatiya Janata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. Intimidated by the all-round blessings of Kannadigas being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnataka elections, BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Khadge, as also his family members. This is clear from the audio recording of BJP candidate from Chitapur, who also happens to be the blue-eyed boy of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Basavaraj Bommai. Friends, there is a designed hatred towards Karnataka's son of the soil, Shri Mallikarjun Khadge, on part of central and state BJP. सुरजेवाल ने एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई, जिसे चितापुर से बीजेपी उम्मीदवार की आवाज बताया जा रहा है। टैक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।